तुम इन सब की माँ हो? क्या मदद कर सकती हूँ? कुछ खास नहीं, मैं जॉर्ज का दोस्त हूँ, सोचा आया हूँ तो मिलकर जाऊँ। बहुत अच्छी बात है, पर मिलने के लिए तुमने गलत वक्त चुना है, जॉर्ज इस समय सो रहा है। ओह, ये तो अफसोस की बात है। बिल्कुल है। तुम कौन हो? क्लिफ बूथ। जॉर्ज को कैसे जानते हो? मैं किसी वक्त इस रेंच पर शूटिंग किया करता था। तुम जॉर्ज से आखिरी बार कब मिले थे? ओ, मेरे ख्याल से यही कुछ 8 साल पहले। ओह, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था तुम उसके इतने अच्छे दोस्त हो। जब वो उठेगा तो मैं उसे कह दूंगी तुम आए थे। अरे अब आया हूँ तो थोड़ी देर रुक जाता हूँ, हेलो कह के जाऊंगा। काफी दूर से आया हूँ, पता नहीं यहाँ आने का दोबारा मौका कब मिले। हाँ समझती हूँ, मगर तुम्हारा मिलना नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि हम सैटरडे रात को साथ में टीवी देखते हैं, FBI और बोनांजा, मगर वो रात को लेट तक जाग नहीं पाता, इसलिए मैं उसे अभी सुला देती हूँ ताकि वो रात को जाकर टीवी देख सके। देखो अब ध्यान से सुनो, मैं तो अंदर आ रहा हूँ, अपनी आंखों से उसे देखूंगा और जॉर्ज का हाल चाल जानूंगा, और ये मुझे नहीं रोक पाएगा। ठीक है, आ जाओ अंदर। You never know. The next boy you meet may be the one. The next time he looks at you, maybe the time he really sees you. Better be ready for next time. वो अंदर के कमरे में, सामने की तरफ दरवाजा है, उसे उठाने के लिए तुम्हें उसे हिलाना होगा, मेरी गाली खा के सोया है। शायद थक गया होगा। आठ साल से बिछड़े दोस्त, जॉर्ज अंधा है, उसे बताना होगा तुम कौन हो। जॉर्ज तुम जाग रहे हो? जॉर्ज, 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 कैसे हो जॉर्ज? हे भगवान, किसको क्या हो गया? कुछ नहीं, सब ठीक है, सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। कौन हो तुम? मैं क्लिफ बूथ, मैं बस तुम्हें हेलो कहने और तुम्हारा हाल चाल जानने आया था। जॉन विल्क्स, वो कौन? क्लिफ बूथ। ये कौन है? मैं यहाँ बाउंटी लॉ की शूटिंग करता था जॉर्ज, रिक डाल्टन का स्टंट डबल। कौन? रिक डाल्टन,
वो डाल्टन ब्रदर्स? नहीं, रिक डाल्टन। वो कौन है? वही बाउंटी लॉ सीरीज का स्टार। और तुम कौन हो? मैं रिक का स्टंट डबल हूँ। रिक कौन? अब वो सारी बातें छोड़ो जॉर्ज, हम दोनों साथ काम कर चुके हैं, इसलिए मैं बस तुम्हारी खैरियत जानना चाहता था। मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? मुझे कुछ दिखाई नहीं देता यार। जब ठीक से दिखता नहीं तो इंसान भला ठीक कैसे रह सकता है? मुझे बताया गया था। स्क्विक की मेरा ख्याल लगती है। उस लाल बालों वाली लड़की की बात कर रहे हो? तुम हो कौन? तुमको मुझसे क्या चाहिए? पहले तुमने मुझे उठाया और अब मेरी बात ठीक से सुन भी नहीं रहे हो कि मैं अंधा हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि उस लड़की के बाल लाल हैं या पीले हैं जो मेरे साथ इतने समय से रह रही है? समझ गया जॉर्ज। ठीक है, हर किसी को इंस्टेंट पैन की जरूरत नहीं होती। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, मगर तुमने मेरा दिल जीत लिया। शुक्रिया कि तुम मुझसे मिलने आए। अब मुझे तुम सोने दो। मुझे आज रात FBI देखना है, स्क्विकी के साथ बैठ के। अगर मैं सो गया तो वो मुझ पर गुस्सा हो जाएगी। और वो गुस्सा हो जाती है तो क्या होता है जॉर्ज? कुछ नहीं, मैं उसे बिल्कुल निराश नहीं करना चाहता। तो तुमने सारे हिप्पीज को यहां रहने की इजाजत दे दी? तू होता कौन है ये पूछने वाला? मैं क्लिफ बूथ हूं, एक स्टंटमैन। हम साथ में काम कर चुके हैं जॉर्ज, और मैं बस तुम्हारी खैरियत जानने आया था कि कहीं वो सारे हिप्पीज तुम्हारा फायदा तो नहीं उठा रहे हैं। स्क्वीकी ने? हाँ, वो मुझसे प्यार करती है। मैं बिल्कुल ठीक हूं। अपना ख्याल रखना जॉर्ज।